जेकर मिर्जे सौ जावन ते टुट जांदे ने तीर वगैरह क्या बात गैरत गैरत कर दे मर गए किन्ने खान शमीर वगैरह जेकर इश्क दे राह पैना ही साहबां फेरे वीर वगैरह उर्दू गजल भी ठीक है साबर हां गालम भी मीर वगैरह क्या बात है अच्छा तुसी वो कंप्लीट नहीं की मैं क्या कोई गल इक्के शेर फिर मुशायरे च की सुनोगे मैनू नहीं मुशायरे च असि एक ओ के मजा मैं क्या कोई गल ते नहीं हां चुप मसले दा हल ते नहीं हां मेरे दिल चो निकल भी सकने दिल कोई दल दल ते नहीं मैं कहना लो इको जाए ने ओ कहिंदा ए खल ते नहीं ना इश्क तो मैं अनजान ही सही पर तेनू भी कोई वल ते ओए हाय हाय वाह 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 मैं दुनिया तो बागी साबर मैं दुनिया तो बागी साबर तू दुनिया दे वल ते नहीं अच्छा डॉक्टर साहब तुसी कह रहे सी ना कि आम लोकां दी नहीं है मैं थोड़ा जा ओपोजिट सोचना इस तो सौखा की होगा मेनू दसो इस तो सिंपल नजमा ने कुछ जिन्हें सुनिया ने जिम्मे लोग सोचते ने सतही नुकता नजर गल बहुत गहरी और ये ना एक जिड़ी इन्हों की शायरी चार चाल लाउंदी है ना इज्जत तकर्रम की है मैं बोलना किस तरह जो तुसी पॉज लै के बोलते हो ना तो अद्धा बंदा तो उथे मुक जांदा है यार की होण लगा ज़िबा कर दे हो लेकिन तरसा तरसा छुरी तेज कर मेनू ना गल याद आई किसी ने कोई पेंटिंग पेंटर सीगा हुण मेनू एग्जैक्ट नहीं याद की थी ये गल है सोचा यार कला नू लैके ना लोग बड़े इंडिविजुअल ओरिएंटेड ने कि जे कोई चीज जे पेंटिंग शोभा सिंह ने बनाई है तो कमाल ही होगी जे पिकासो ने कुछ है तो कमाल ही होगा है ना तो वो की करता है कि वो एक कैनवस ते खाली रखता है जेड़ा कोई आंदा जांदा उन्हें कहता है कि जो तू ब्रश मार दे मारना मार दे कोई लाइन सीधी मारदा कोई पुठी मारदा कोई टेढ़ी मारदा कोई काली मारदा कोई हरी मारदा पीली मारदा ओ एक चित्र जिहा ओहदा कई लोकां बाद बन जांदा ओ फिर ओहनू नुमाइश ते लांदा ते ओ थल्ले नाम अपना लिखदा कि मैं कीती है ओहदी बोली लगदी है ओ फिर ओ जदों बोली लगदी है तो पुछदा जी तुहानू इहदे च की दिसदा कोई दसदा कि मैनूं इहदे च कुल कायनात नजर आउंदी है कोई कहंदा कि दुनिया की सब तो खूबसूरत जिहड़ी अज तक की बनाई पेंटिंग है वो फिर सारियां गल्लां सुनन तो बाद कहंदा कि मूर्खो ये कख नहीं है कोई लैन ऐव आ गया कोई ऐव आ गया ऐव आ गया और तुसी सिर्फ वो कर रहे हो तरीफा कर रहे हो और ये है कुछ नहीं मैं लगता साडे उधर ना ये बहुत ढुकदा है बिलकुल के कुछ बंदिया का ना हो गया और कुछ भी वड्डे लफ्ज वरतने और जिम्मे राहत इंदौरी साहब ने कहा सीगा कि साडे इथे इंडिया च वड्डा शायर ओनू कहंदे जिहड़ा भारे भारे शब्द वरत दिंदा बस जिहड़े समझ ही ना ते ओ कुमार विश्वास ने कहा कि सब तो वधिया गल है फिर थले ऑडियंस नू समझ नहीं आंदी और सब तो वध ताड़ियां उस शेर ते वजदियां जिहदी समझ ही नहीं आई हुंदी लेकिन जिहड़ी गल तुसी कही के जिवें इन्हां दी मैनूं लगदा कि साबर अली साबर साहब इन्ने क सिंपल लिखदे है ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਐਸਾ ਚੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਹਨਾ ਅਸਲ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਬਸ ਪਲਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਲਿਖਣੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਧਰ ਵੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹ ਅਸਲੇ ਚ ਵਸੇਬ ਚ ਅਨਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਣ ਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਲਕਿ 2017 ਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਲੇਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 28 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਮਝ ਲਿਆ।